नुआदिल्ली हैदराबाद हाउस रे मोदी ओलाफ आलोचना युद्ध प्रसंग समेत विभिन्न आंतर्जातिक प्रसंग रे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्क सहित आलोचना करिसेंते। प्रधानमंत्री मोदी आलोचना करिसेंते। तीन दिनिया गस्त रे आसीथिबा जर्मन चांसलर कर आज सकाळे मोदी को भेटिथिले। उभय देशर स्वार्थ संपर्कित द्विपाक्षिक आलोचना सहित मिलित प्रेस बृत्ति में उभय नेता विश्व को शांति सन्देश देते। 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ जर्मन बिजनेस को संबोधन रे मोदी विकसित भारत गठन पर प्रस्तुत ब्लूप्रिंट उपस्थापन करते। भारत जर्मन संपर्क को अधिक दृढ़ करने को जर्मन चांसलर भारतीयों वीजा वृद्धि घोषणा कर भारतीयों 20,000 बदल एणिक मिल 90,000 जर्मन भिसा। भारत सरकार मेक इन इंडिया अभियान सहित विश्व शांति भारत पदक्षेप सहायता को प्रशंसा कर। आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोडमैप लॉन्च किया गया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बल मिलेगा और सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन्स का निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।